हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, होप यू आर ऑल वेल एंड कीपिंग योर सेल्फ फिट एंड फाइन। अभी दूसरा तीसरा दिन हो गया मुझे कोविड हुए हुए, तो गले में खराश है, ज़्यादा कुछ और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो थोड़ा सा टेम्परेचर था कल रात को, क्योंकि मैंने दिन को काम बहुत किया था। मोना तो अभी भी सिक है, तो शॉपिंग वगैरह तो हम जा नहीं सकते हैं। Hello. How are you? Today we're going shopping because, well, yeah. Mommy is very, very sick. Yeah, so we thought we'd do the shopping instead. So we're gonna have to do the shopping for her. If you haven't already subscribed to the channel, then please subscribe. And like the video, please. Yeah. And also comment if you want. Yeah, if you want. If you like the video. Yes. Comment as well. Okay. Thank you. बच्चों को ड्राइव करके ले गया था, तो उन्होंने शॉपिंग कर ली। तो हम जैसे मास्क वगैरह डाल लिए थे हमने अच्छे से, तो उनको तो कोविड है नहीं, तो हमें ये तो हम थोड़ा डिस्टेंस बना के रख रहे हैं बच्चों के संग। ओह वेरी गुड, यू डन द शॉपिंग इज इट? या, वी गॉट एवरीथिंग वी नीडेड। ऑलराइट, वेरी गुड। सो आई थिंक यू हैव गॉट एवरीथिंग इन दी? या। या, वेरी गुड। मौसम अच्छा हो रहा है यहाँ पे, तो मोना भी यहाँ धूप से की कर रही है। हेलो मोना। हेलो। हाँ, कैसी है आप? थोड़ा ठीक है। थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा। मेरी वॉइस चली गई। वॉइस? आप सबको नमस्कार। हाँ। वॉइस चली गई है? हाँ, वो ठीक नहीं है, दर्द हो रही है गले में बड़ी। टेम्परेचर भी आया ना? हाँ, पर पहले से थोड़ा बेटर है। आज फिफ्थ डे है शायद, फिफ्थ सिक्स डे है। हाँ जी। तो ये अच्छा हो गया कि मौसम थोड़ा ठीक हो गया? हाँ, धूप में अच्छा लग रहा है बाहर। तो शॉपिंग होगी? शॉपिंग कर ली, बच्चों को मैंने भेज दिया था कार लेकर, तो उन्होंने शॉपिंग कर ली है, ले आए हैं सामान वगैरह। तो कोविड में ज़्यादा कुछ तो मेडिसिन वगैरह ज़्यादा कुछ रिकमेंड नहीं करते हैं, जस्ट पैरासीटामोल और सल्फरिन खा रहे हैं एवरी 4 आवर के बाद, तो उससे फ़र्क है। बाकी अपना इम्यून सिस्टम ही इससे फाइट करेगा ना, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, सिर्फ आराम ही करना और आइसोलेट करना। इसकी मैं गुडाई कर रहा हूँ, ये काम तो करना ही चाहिए। मुझे वैसे गार्डनिंग का काम बहुत अच्छा लगता है। हम लोग कंपटीशन शुरू करने जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके पास एक अच्छा मौका है 10,000 रुपये जीतने का, तो जब भी हमारे 10,000 सब्सक्राइबर नंबर जो पूरे हो जाएंगे, 10,000 इंडियन रुपीज़ या इक्विवेलेंट अमाउंट, अगर किसी और कंट्री से अगर आप विन करते हो, वो मनी जो है प्राइज मनी, वो आपको भेज दी जाएगी। कंपटीशन में भाग लेने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन, कॉमेंट। आज का क्वेश्चन है कि व्हाट कंट्री इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, विच कंट्री इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दीजिए, और उसमें से हम लोग सब्सक्राइबर में से और कमेंट सेक्शन में से एक प्राइज विनर जो होगा वो चूज करेंगे, और उसके एड्रेस पर हम लोग 10,000 रुपीज़ और इक्विवेलेंट मनी भेज देंगे। सो फॉर द इंग्लिश व्यूअर्स, वी आर गोइंग टू रन द कंपटीशन टू अचीव 10K सब्सक्राइबर्स। ऑल टर्म एंड कंडीशंस आर रिजर्व्ड टू द चैनल, सो इफ यू वांट टू कंपीट द कंपटीशन, यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल
and give your answer in the comment section. So as soon as we reach 10k subscriber, we'll choose the winner and send the money, 10,000 rupees or equivalent to them. So best of luck. So jaldi jaldi channel ko subscribe kijiye aur comment kijiye right answer aur hum choose karke aapko bata denge. Okay, best of luck. ऐसे ऐसे करके ये बना देता हूँ, तो जिससे ये प्लेटफार्म से थोड़ा सा पानी वगैरह निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे बारिश काफ़ी होती है. तो मैंने कहा ये ऐसे करके ये बना दिए मैंने इस तरफ मोना, तो इस पर लगाएंगे तो थोड़ा वो पानी वगैरह ड्रेन हो जाएगा. ये अच्छी लगनी, इसमें मटर प्लांट कर देंगे ना थोड़े से. वो लगाने की ड्यूटी आपकी है, मैंने नहीं लगाना. मैं ना ये साफ कर देता हूँ और ये बना देता हूँ मैं, फिर आपने जो लगाना है वो लगा लेना जो भी आपको अच्छा लगेगा. ठीक है, तो यहाँ पे बनाना है और दूसरे वाला पैच भी रेडी करना है, वो तो बड़ा है पैच. तो मैंने अंदर वो प्लांट्स लगा दिए हुए हैं, वो जब हो जाएंगे थोड़े से बड़े तो फिर उनको बाहर यहाँ कर देंगे ना. हाँ, वो अंदर ना पनीरी लगा दी हुई है, पनीरी से जब वो लग जाएंगी निकलाएंगे पौधे छोटे छोटे, तो इसमें लगा देने हैं ऐसे करके. एक्चुअली पास्ट फ्यू डेज थोड़े से गर्म थे ना, तो हाँ वो भी गए, जर्मिनेट हो गए अंदर. हाँ, तो क्या 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 लेकर आए हैं? मटर और मूलियाँ, वो तो सीधे बाहर आउटडोर प्लांट के लिए हैं. और अंदर खीरे और टमाटर लगाए हमने. हाँ आशु, पढ़ाई हो रही है? Yeah. क्या पढ़ रही है? आयरिश? Yeah, Irish. हाँ, तभी मुझे कुछ समझ नहीं जा रहा है. Yeah, हाँ. Oral exams के लिए. हाँ. तो आयरिश उतनी की इम्पोर्टेंट रहने के लिए जितने की हमारे लिए संस्कृत होती थी ना. तो जैसे इनकी लैंग्वेज ही रह गई, बोलता बालता कोई नहीं है, आयरलैंड में इंग्लिश ही बोलते हैं. और उसके बाद इंडिया जाके, इंडियन जो रीजन है तो वहाँ पे जाके इंग्लिश बोलते हैं. इस यहाँ से लेकर इंडिया तक कोई और इंग्लिश नहीं बोलता है, या मे बी पाकिस्तान होएगा, पर उसके पहले कोई और इंग्लिश नहीं बोलता है. पर ये मतलब उनको बड़ी काम आती है, जैसे पोलैंड वगैरह के लोग हैं उनको तो बड़ी मुश्किल है, वो बोल भी नहीं सकते हैं. स्पेन स्पेनिश बोलते हैं, जर्मन जो वो जर्मनी बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज. और वो जो फ्रेंच हैं वो फ्रांस है वो फ्रेंच बोलते हैं. हाँ, तो इंग्लिश जो है वो आयरलैंड में हम लकी हैं कि यहाँ पे इंग्लिश है. और ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में और न्यूजीलैंड में,
तो उसके बाद इंग्लिश और कोई कंट्री नहीं बोलती है। फाइनली लो जी हमारा खेत तैयार हो गया छोटा सा। ये 8x8 का पैच है, तो यहाँ से मैंने नालियाँ बना दी हैं और ये वाला पार्ट जो है वो रहने दिया। यहाँ पे पुदीना लगा हुआ वो अपने आप निकल आएगा, जो मिंट होता है ना, और यहाँ पे ओरिगैनो है भी अपने आप हर साल निकल आता है। तो छोटी छोटी नालियाँ बना दी हैं मैंने, तो जो पानी है वो ड्रेन हो जाएगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा। अभी मोना ही लगाएगी एक दो दिनों के बाद इसमें कुछ सीड्स वगैरह। अंदर उसने जर्मिनेट कर दिए हैं, वो जब वो अंकुरित हो जाएंगे तो उनको बाहर जा के लगा देंगे, क्योंकि उन पर फ्रोस्ट नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सभी को बाय बाय बाय।